पैसा मतलब लगा चुके हैं बाहर जैसे? अब वो तो किराया खर्चा हो बस, वो कम से कम 20,000 रुपए। अच्छा, मतलब 20,000 रुपए खर्च किया चुके, लेकिन आराम कहीं पे भी कोई नहीं मिला है? मैं कहा आराम काहे में मिल जाए, ऑपरेशन के लाए लेकिन ऑपरेशन का हुआ नहीं है। सीधी सीधी बात जाए अच्छा, तो बीमारी क्या कैंसर बोल रहे? नमस्कार दोस्तों, अभी हमें सिद्धेश्वर धाम में, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी इससे पहले कई बार सुना कि बुंदेलखंड में ऐसे कई सारे धाम और चल रहे हैं, जैसे बागेश्वर धाम का आप लोग सभी लोग जानते ही हैं। ऐसे ही डारगवा गांव में, ये बिजावर के नज़दीक पड़ता है, डारगवा गांव में एक धाम चलता है सिद्धेश्वर धाम के नाम से। यहाँ पर भी दरबार लगता है, पर्चे पर लिखा जाता है जो भी जिसको समस्या होती है। यहाँ पे हमको एक माता श्री मिली है, इनसे जानते हैं कि इनको, क्योंकि जो यहाँ पे लोग हैं वो बता रहे हैं कि इनको कैंसर की समस्या थी, तो चलिए हम इन्हीं से जानते हैं कि इनको क्या क्या समस्या थी और कितने दिन में इनको आराम मिला है, कब से यहाँ पे आ रही हैं। माता जी कहाँ के आए आप पहले बता दीजिए? अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे कब आई थी आप? अच्छा, सबसे पहले अंगलेश्वरी चेयर को आई थी मतलब? तो कितनी बार लगातार आप आ रही हैं सोमवार को? अच्छा, एक और उपाय आया, कहे के लाने आई थी मतलब? का बीमारी थी आप? बच्चों के लिए गए लिखते पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हम लेते हमें नहीं आज का उपाय। अच्छा, फिर हमें बताओ सोते जाओ इतने आए सो गंगा जल लेगा। अच्छा, थोड़ी बहुत आराम लगे, चलो दूसरा में चलो। अरे महाराज जी ने झाड़ो मन नहीं होती थी, अच्छा थोड़ी बहुत आराम है। अच्छा, इससे पहले आपने अस्पताल में भी कई डॉक्टर ने भी दिखा हुई है, कहाँ कहाँ दिखा है? छतरपुर दिखाया, छतरपुर में लिख दिया कि ग्वालगर चले जाओ। अच्छा, ग्वालगर गए तो दो एक तीसरा में जांच ले लेंगे उन्हें, तीसरा में दूसरे में जांच ले लेंगे, तीसरा में गए। कितने दिन रहेंगे ग्वालियर में? नहीं रहे। अच्छा, अच्छा एक ही दिन में सब हो गया। बम्बई भेजो तो वहाँ से रिपोर्ट। अच्छा चलिए, इनसे भी जानते हैं, आप आ जाइए थोड़ी सा यहाँ पे, हम इनको बता दें ये माता श्री के साथी में आए हैं। आप अपना नाम बता दीजिए? कमलापति यादव, रामचौका। अच्छा, आप बताइए कि माता श्री को क्या क्या समस्याएं थी और वो परेशानी? छाला था, एक छाले में छतरपुर भेज दिया बाहर, एक हफ्ते मतलब 10 दिन बाद रिपोर्ट आई, उन्होंने बताया कि अच्छा बोले ऑपरेशन करवा। अच्छा, हमने तो अब हम व्यवस्था कर पाएंगे तो बाद में करवा लेंगे ऑपरेशन। अच्छा, तो यहाँ पे कैसे पता चला था कि सबसे पहले जो यहाँ पे आप लोग आए थे? यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ से जो एक दिन सुहा हैं वो आए थे तो बोले कि वहाँ भी आराम लगा, तो जो वो तो आए अपन। अच्छा, आराम है मतलब? अब आराम जैसे जी बता रहे हैं कि आराम है, थोड़ी आराम, थोड़ी आराम। आज महाराज जी ने जो औषधि सभी को दी है तो इससे क्या मतलब फर्क पड़ा है? थोड़ी आराम है, हम बता रहे हैं ना भगवती दाई जो वो खाई हमने तो थोड़ी आराम बताया, उन्हें एक घंटा बाद आराम मिले तो उनमें बता रहे थे कि आराम है। अच्छा, और कितनी पैसे करना मतलब इससे पहले जैसे कितने पैसा मतलब लगा चुके हैं बाहर जैसे? वो तो किराया खर्चा हो बस, वो कम से कम 20,000 रुपये। अच्छा, मतलब 20,000 रुपये खर्च किया चुके, लेकिन आराम कहीं पे भी कोई नहीं मिला है? मैं कहा आराम काहे में मिल जाए, ऑपरेशन के लाए लेकिन ऑपरेशन का हुआ नहीं है। अच्छा, सीधी सीधी बात जाए। अच्छा, तो बीमारी क्या कैंसर बोल रहे? कैंसर बता रहे थे, कैंसर के लिए बोल रहे थे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन तो हमने ऑपरेशन अभी नहीं करवाना। यहाँ पे आप पिछले शनिवार को आए थे, जब से ही आपको यहाँ पे आराम मिल गया? हाँ। तो दोस्तों ये थी हमारे वहाँ गांव के दवाई चल रही है गली की। अच्छा, चौका गांव में उन्हें सकरिया गांव से ले आए थे। अच्छा, वो भी चल रही है, ये भी चल रही है। अच्छा, मतलब मैं बताया था कि बब्बा जी को चोला बदलवा दो गांव के। अच्छा, और ये दवाई सेवन कर रहा था को यहाँ का जल वहाँ की वो दवाई दोनों मतलब मतलब दोनों जगह की जो भी दवाई बताया था कि आप दूध में भी पानी में भी वो पी सकत। अच्छा, तो बब्बा जी को देखो वही भर लेगा 2 लीटर के डिब्बा बोतल में वही जल उनको वो वहाँ की दवाई। तो जो इन दोनों चीजों को मिला के आपने इससे आपको आराम मिला है। तो दोस्तों ये आप लोग देख रहे थे, अभी दरबार भी लगा हुआ, आप हमारे पीछे कैमरे के माध्यम से दिखाई जा रहा है यहाँ पे कि दरबार अभी भी लगा हुआ है यहाँ पे। जैसा कि आप अन्य कई जगह दरबारों में देखते हैं कि लाइव पर्चा लिखा जाता है, यहाँ पे भी महाराज जी ने आप हमारे पिछले कुछ लाइव दरबार भी हमने चलाए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं लाइव में जाकर कि यहाँ पे लाइव यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं और लाइव में आप देखते हैं महाराज जी लाइव दरबार में पर्चा भी लिखते हैं लोगों का। ऐसे ही कई सारे धाम बुंदेलखंड में चलाए जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आराम भी मिल रहा है। अन्य जो यहाँ से जुड़ी जानकारियाँ हैं उन सबके लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, खबर टीवी को। नमस्कार।